दोस्तों आज हम आपको एक भारतीय लड़के का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक भारतीय लड़का काम करने के लिए सऊदी अरब में जाता है और वहां पर जाकर एक सऊदी कफील के घर में खूब मन लगाकर काम करता है और खूब पैसा भी कमाता है। लेकिन फिर जब उसका वापस आने का टाइम हो गया तो उसके कफील की बीवी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ में ज़बरदस्ती की है, यानी कि इस भारतीय लड़के ने मेरा रेप किया है। फिर मामला कोर्ट तक पहुंचा और उस भारतीय लड़के को जज के सामने पेश किया गया। जज के सामने उस भारतीय लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहने लगा कि जज साहब, मैंने इस औरत के साथ में एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत काम किया है, मगर मैंने यह सब कुछ इस औरत की मर्जी से किया है। अब अगर आप चाहें तो मुझे फांसी पर लटका दें, मुझे कोई भी गम नहीं होगा। इसके बाद जज साहब ने भारतीय लड़के के साथ में जो कुछ किया सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, आप भी हैरान और परेशान रह जाओगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जो सऊदी अरब में रहकर काम कर रहे हैं। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम आपको जिस लड़के की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं उस लड़के का नाम मिराज आलम है और वो राजस्थान अजमेर के पास ही एक गांव है वहां का रहने वाला है। मिराज आलम की कहानी ये है कि जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी ने उसे पसंद नहीं किया। उसकी बीवी का कहना था कि मिराज आलम नामर्द है, इसलिए वो उसके साथ में नहीं रह सकती है। और फिर आखिरकार दोनों मियाँ बीवी में इस बात को लेकर तलाक हो गया। इसके बाद जैसे तैसे करके मिराज आलम ने अपने आप को संभाला, लेकिन इसके साथ ही वो सोचने लगा कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि अब अगर वो यहाँ पर रहेगा तो लोग उसे नामर्द नामर्द कहकर पुकारेंगे, लोग उसे ताना देंगे। इसलिए अब वो सऊदी अरब में जाएगा और 2-4 साल वहीं पर रहेगा और फिर जब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लोग इस बात को भूल जाएंगे, तभी वो यहाँ पर वापिस आएगा। इसलिए अब एक तरफ मिराज आलम सऊदी जाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ वो एक हकीम से अपना इलाज भी करवा रहा था। हकीम ने उसे कुछ जड़ी बूटियाँ दी और कहा कि वो इन्हें खाए और एक महीने के बाद में वो अपना चेकअप करवाई, उसे फर्क महसूस हो जाएगा। अब दोस्तों मिराज आलम एक तरफ उन दवाइयों को खा रहा था और दूसरी तरफ सऊदी जाने की कोशिश करता रहा। ऐसे ही करते करते एक दिन मिराज आलम का वीजा भी आ गया और इस तरह से फिर वो सऊदी अरब में पहुँच गया। अब जब वो सऊदी अरब में गया तो उसे वहाँ पर वो काम मिला ही नहीं जिसके बारे में उसे बताया गया था, बल्कि उसे वहाँ पर एक जंगल में ले जाया गया जहाँ पर बहुत सारी भेड़ बकरियाँ थी, उन्हें चराने का काम उसे दे दिया गया। 20-20 घंटे तक उससे काम लिया जाता था और बदले में उसे सही से खाना भी नहीं दिया जाता था। बस इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इसलिए फिर एक दिन मिराज आलम उस अरबी के यहाँ से भाग निकला और अपने एक दोस्त के पास में पहुँच गया और वहाँ पर जाकर वो गैर कानूनी तरीके से रहने लगा और दूसरे काम की तलाश करने लगा। इसी बीच फिर एक दिन मिराज आलम की मुलाकात एक अरबी से हुई जो जानवरों की खरीद फरोख्त का काम करता था। उसके पास में एक गाड़ी भी थी जिसके ड्राइवर की वो तलाश कर रहा था। मिराज आलम ने उस अरबी को अपनी सारी मजबूरी बता दी कि वो किस तरह से यहाँ पर आकर फंस गया है। वो ड्राइवरी के लिए यहाँ पर आया था, मगर उसे जंगल में भेड़ बकरियों को चराने का काम दे दिया गया, खाना भी नहीं दिया जाता था, इसलिए वो तंग आकर वहाँ से भाग गया है और अब वो कोई दूसरा काम ढूंढ रहा है। यह सुनकर वो अरबी कहने लगा कि मुझे एक ड्राइवर की ही तलाश थी, तुम मेरे पास में काम करो, मैं तुम्हारा लाइसेंस भी बनवा दूंगा और अच्छी सैलरी भी दूंगा और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं है। यह सुनकर मिराज आलम खुश हो गया और इसके बाद में वो उस अरबी के यहाँ पर काम करने लगा। अब मिराज आलम बड़ी मेहनत और लगन के साथ में उस कफील के यहाँ पर काम करने लगा। उसके काम करने का तरीका देखकर सऊदी बड़ा इम्प्रेस हुआ, इसलिए वो कहने लगा कि दोस्त, अगर तू मेरे साथ में इसी तरह से काम करता रहा तो मैं तुझे सैलरी के अलावा बोनस भी दूंगा, लेकिन बस तुम पूरी ईमानदारी के साथ में काम करते रहो। दोस्तों इस तरह से फिर वो भारतीय लड़का उस कफील के यहाँ पर काम करता रहा। अब मिराज आलम के घर पर कोई भी नहीं था क्योंकि वो तो अपनी बीवी को तलाक देकर यहाँ पर आया था और भारत में उसका कोई अकाउंट भी नहीं था, इसलिए वो अपने कमाई हुए पैसों को उस सऊदी के पास ही जमा करने लगा क्योंकि उसने सुन रखा था कि सऊदी लोग बड़े ईमानदार होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हर देश में हर जगह पर ईमानदार लोग भी होते हैं और बेईमान भी होते हैं। अब मिराज आलम अपने सारे पैसे उस सऊदी के पास में जमा करता रहा और कहा कि जब मैं अपने घर जाऊं तब यह पैसे मुझे दे देना। खैर दोस्तों इस तरह से उस भारतीय लड़के ने तकरीबन 5 साल तक उस सऊदी के यहाँ पर काम किया। फिर एक दिन उसने अपने कफील से कहा कि अब वो अपने घर पर जाना चाहता है, इसलिए वो उसके सारे पैसे उसे वापस कर दे।
अब इधर इतने सारे पैसे देकर उस सऊदी की नियत में खराबी आ गई थी। अब वो उसके पैसे वापस देना नहीं चाह रहा था, इसलिए अब वो सऊदी उसे ऐसे ही टालता रहा कि इस महीने नहीं अगले महीने दूंगा, अगले महीने नहीं उससे अगले महीने दूंगा। अब इधर वो भारतीय लड़का सोच रहा था कि जब वो वापस अपने गांव में चला जाएगा तो वहां पर जाकर वो सेटल हो जाएगा, यानी कि अब वो यहां पर कभी भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब वो जिस्मानी तौर पर भी पूरी तरह से फिट हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ उसका वो कफील उसे उसके पैसे वापस नहीं दे रहा था। इस तरह से करते करते मिराज आलम ने 6 महीने और गुजार दिए। अब मिराज आलम भी समझ चुका था कि उसके कफील की नियत में खराबी आ गई है, वो उसके पैसे वापस नहीं देना चाहता है, इसलिए फिर दोनों में एक दिन इस बात को लेकर कुछ कहासुनी हो जाती है। खैर, इसके बाद में फिर एक दिन मिराज आलम का कफील उसके पास गया और जाकर प्यार से कहने लगा कि मैंने तुम्हारे ये पैसे किसी कारोबार में लगा दिए हैं, अब मैं तुझे उस कारोबार से होने वाले फायदे में भी हिस्सा दूंगा और मुझे कुछ टाइम और दो, मैं तुम्हारे यह पैसे भी जल्दी वापस लौटा दूंगा। इसके बाद कफील प्यार से उसे अपने घर ले गया और उसके रहने का इंतजाम वहीं पर ही कर दिया और कहने लगा कि अब से तुम मेरे घर पर ही काम करोगे, मेरी बीवी को शॉपिंग वगैरह करवा दिया करो और घर का कुछ काम कर दिया करो। अब वो भारतीय लड़का सऊदी के घर पर रहकर काम करने लगा था, लेकिन उधर उस सऊदी के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उस सऊदी ने अपनी बीवी को अपना पूरा प्लान समझा दिया कि उसे क्या क्या करना है। इसके बाद उस सऊदी ने अपने घर में एक फंक्शन रखा। फंक्शन के दौरान कफील की बीवी ने मिराज आलम को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे यह कुछ सामान लाकर दो। अब इधर वो अरबी से इतना ज्यादा तेज था कि उसने अपने कुछ यार दोस्तों को अपने घर पर बुला लिया और उनको अपना पूरा प्लान समझा दिया। फिर मिराज आलम बाजार से वो सामान ले आया और उस कफील की बीवी को देकर अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर के बाद में 2-3 अरबी मिराज आलम के कमरे पर जाते हैं और उसके कमरे को एक जोरदार लात मारते हैं, यानी कि उसके रूम का दरवाजा खोल लेते हैं और फिर मिराज आलम को मारने पीटने लग जाते हैं। मिराज आलम कहता है कि आप मुझे क्यों मार रही हो, मेरा कसूर क्या है? तो वो कहते हैं कि तुमने अपने कफील की बीवी के साथ में बदतमीजी की है, तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की है, तुमने उसके साथ में जबरदस्ती की है, जाकर देखो वो किस तरह से रो रही है और कह रही है कि तुमने सामान देने के बहाने उसका हाथ पकड़ा है। इतना सुनते ही मिराज आलम समझ गया कि यह लोग उसे फंसा रही हैं। इसके बाद में वहां पर पुलिस आ गई और उस भारतीय लड़के को गिरफ्तार करके ले गई और ले जाकर उसे जेल में डाल दिया। अब दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि सऊदी अरब का कानून ऐसा है कि वहाँ पर बहुत ही जल्द कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है और बहुत ही जल्द फैसला भी आ जाता है। हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में केस पेंडिंग नहीं पड़े होते हैं। बस इसी वजह से कोर्ट में जज बैठा और उसके सामने मिराज आलम को पेश किया गया। जज साहब ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम है कि तुम्हें तुम्हारे कफील ने अपने घर में जगह दी, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने उसी की बीवी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम्हारे ऊपर यह जुर्म साबित हो गया तो तुम्हें पत्थर मार मार कर मार डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस गुनाह की कोई भी माफ़ी नहीं है। अब मिराज आलम क्या कहता, बेचारा वो तो खामोश खड़ा रहा, यानी कि उसने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद में जज साहब ने कफील की बीवी से पूछा कि बताओ इस लड़के ने तुम्हारे साथ में क्या किया है। अब उस कफील की बीवी वैसे तो एक नेक और शरीफ औरत थी, मगर इस वक्त वो अपने शोहर के दबाव में बयान दे रही थी, इस वजह से उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी जबान भी उसका साथ नहीं दे रही थी। इसके बाद कफील की बीवी कहने लगी कि जज साहब, मैंने इस लड़के से कुछ सामान मंगवाया था, जब यह वो सामान लेकर मेरे पास आया तो उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, इसलिए इसने मौका देकर मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ में जबरदस्ती करने लगा। इस पर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, यह देखकर फिर इसने मुझे छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद जज ने उस अरबी से पूछा तो वो भी यही कहने लगा कि मैं इस लड़के को बहुत शरीफ समझता था, मैंने इस पर भरोसा किया, लेकिन इसने तो मेरी बीवी पर ही गलत नज़र डाल दी। जज साहब, अब इसको ऐसी सजा दी जाए ताकि उसे देखकर आगे से कोई भी भारतीय किसी औरत पर गलत नज़र ना उठा सके। इसके बाद कोर्ट में सबकी बातें सुनी गई, मगर उस दिन फैसला नहीं सुनाया गया। इसके बाद मिराज को वापस जेल में भेज दिया गया और अगली तारीख दे दी गई। दोस्तों इसके बाद में वो भारतीय लड़का वापस जेल में आ गया। जेल में उसकी मुलाकात एक ऐसी कैदी से हुई जो मंझा हुआ खिलाड़ी था। उसने पूछा कि भाई तुमने क्या जुर्म किया है। इसके बाद में उस भारतीय लड़के ने बताया कि भाई मैं एक अरबी के चक्कर में फंस गया हूँ, मैं एक अरबी के चंगुल में फंस गया हूँ, मेरी 6 साल की कमाई एक अरबी के पास में फंसी हुई है, जब मैंने उससे अपने पैसे मांगे तो उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। अब वो कह रहा है कि तूने मेरी बीवी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तूने मेरी बीवी के साथ में गलत काम किया है।
अब वो कैदी कोई बड़ा खिलाड़ी था। उसने कहा कि अब जो मैं कहता हूँ वैसा तुम कल कोर्ट में कह देना। अब तुम्हें सजा तो मिल ही रही है, अगर तुमने यह बात कह दी और अगर यह बात फिट बैठ गई तो फिर तुम्हें सिर्फ सजा ही नहीं होगी बल्कि उस अरबी को सजा मिलेगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे। उस कैदी की बातों को सुनकर मिराज आलम बड़ा खुश हुआ। अब वो अगली तारीख का इंतजार करने लगा। फिर एक दिन वो अगली तारीख भी आ गई। अब कोर्ट में एक बार फिर मिराज आलम को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया गया। जज साहब ने कहा कि हम आखिरी बार पूछते हैं कि तुमने यह जुर्म किस वजह से और किस मकसद के साथ में किया है। तो यह सुनकर उस भारतीय लड़के ने जवाब दिया कि जज साहब कैसी बातें करते हो, मैंने कोशिश ही नहीं की है बल्कि मैंने तो इस औरत के साथ में कई बार संबंध भी बनाए हैं। मुझे बड़ा मजा आता है इस औरत के साथ में ऐसा करने में। यह औरत खुद चलकर मेरे पास में आती थी लेकिन अब पता नहीं यह औरत अपने शोहर के डर से या फिर किसी और वजह से मुझ पर यह झूठा इल्जाम लगा रही है। मैंने कई बार इस औरत के साथ में संबंध बनाए हैं। जब मेरा यह कफिल अपने घर पर नहीं होता था तो यह औरत मेरे रूम में आ जाती थी और अपने कपड़े उतारकर मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और कहती थी कि मेरा सऊदी शोहर तो नामर्द है, उससे कुछ भी नहीं होता है। तुम एक भारतीय नौजवान लड़के हो इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, तुम मेरे साथ में गलत काम करो। अब जज साहब मैं क्या करता, मैं इसके साथ गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता। मिराज आलम कोर्ट में यह सारी बातें बड़ी हिम्मत के साथ में कह रहा था। उसे पता था कि मरना तो वैसे ही है लेकिन अगर यह बात फिट बैठ गई, अगर तीर निशाने पर लग गया तो हो सकता है कि उसे माफ़ी भी मिल जाए। मिराज आलम की इन बातों को सुनकर जज साहब गुस्से से लाल हो गई और कहने लगा कि ये लड़का कैसी गंदी बातें कर रहा है। अब दोस्तों कफील की बीवी जो कि एक शरीफ औरत थी लेकिन वो अपने शोहर के दबाव में इस तरह की बयान दे रही थी। अब उसने जैसे ही मिराज आलम के मुंह से यह बात सुनी तो उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और कहने लगी कि ए लड़के खुदा के वास्ते चुप हो जा और ऐसी बातें मत कह। फिर वो कहने लगी जज साहब यह लड़का झूठ बोल रहा है, इसने कभी भी मेरे साथ में कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही मैंने कभी इसके साथ में कोई गंदा काम किया है। फिर भारतीय लड़के ने कहा कि फिर सच सच बताओ कि असल बात क्या है, क्या मैंने तुम्हारे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तो उस औरत ने कहा कि जज साहब यह बात भी सच नहीं है, आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताती हूँ। मेरे शोहर ने मुझे ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया है क्योंकि इस भारतीय लड़के के बहुत सारे पैसे मेरे शोहर के पास में जमा है। अब मेरा शोहर इसके पैसे वापस देना नहीं चाहता है इसलिए मेरे शोहर ने यह प्लान बनाया है और मुझे यह गलत बयान देने पर मजबूर किया है। जज साहब ने फिर उस अरबी से पूछा कि क्या यह बात सच है, सच सच बताओ वरना तुम्हें सजा मिलेगी। यह सुनकर फिर उस कफील ने भी अपना इकरारी जुर्म कर लिया और कहने लगा कि यह भारतीय लड़का बेकसूर है, इसने मेरी बीवी के साथ में कुछ भी गलत काम नहीं किया है। इसके बाद जज साहब ने भारतीय लड़के को अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने अकलमंदी से अपनी जान बचा ली है, अगर यह लोग तुम्हारे खिलाफ ऐसे ही बयान देते रहे और अगर तुम अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहते तो शायद तुम नहीं बच पाते और इस तरह से मैं एक बेकसूर को फांसी के फंदे पर लटका देता। इसके बाद जज साहब ने उस कफील से भारतीय लड़के के सारे पैसे दिलवाए और उन दोनों मियां बीवी को 2-2 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जज साहब ने मिराज आलम को उसके पैसे ही नहीं दिलवाई बल्कि उसके पैसों को जिस कारोबार में लगाया गया था उसके मुनाफे का 50% हिस्सा भी उसे दिलाया गया। इसके बाद मिराज आलम अपने सारे पैसे लेकर अपने गांव में आ गया और यहां पर आकर उसने दूसरी शादी कर ली और आज वो खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी काट रहा है। तो दोस्तों कभी कभी इस तरह की वाकयात भी हो जाती हैं लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि सऊदी अरब का कानून हमारे भारत के कानून से कहीं ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वहाँ पर रेप के मामले ना के बराबर होते हैं।